कन्नौज नगर के सर्वप्रथम रणजीत हनुमान मंडल का 18वां वार्षिक उत्सव सोनी गार्डन में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मंडल के संयोजक गुड्डू शर्मा ने बताया कि यह नगर का पहला रणजीत हनुमान मंडल है जिसकी स्थापना 2005 में की गई थी। तब से प्रत्येक शनिवार किसी भी भक्त के यहाँ सुंदरकांड का पाठ कराया जाता है, तो वहाँ पर संगीतमय पाठ किया जाता है। 11वां वर्ष पूर्ण होने पर राजस्थान स्थित मेहंदीपुर बालाजी के परिसर में मंडल द्वारा सुंदरकांड का पाठ किया गया था। साथ ही मंडल द्वारा हनुमान जी की प्रतिमा साथ लेकर गिरिराज जी की परिक्रमा भी की गई थी। शर्मा ने बताया कि जो निर्धन छात्र होते हैं उनकी पढ़ाई के लिए भी मंडल सहयोग करता है, तथा नगर के साथ ही आसपास के क्षेत्र में जहां भी हनुमान जी के मंदिर है वहां पर मंडल द्वारा जीर्णोद्धार का कार्य भी कराया जाता है। इस अवसर पर सुंदरकांड के बाद महाप्रसादी का आयोजन भी किया गया जिसमें नगर के सभी भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। पहला पाठ जो हमारा हुआ था श्री राम बल्लभ मंदिर गणेश चौक पर हुआ था, और भगवान की कृपा से इसके पहले क्या है एक अखंड रामायण का मंडल था। तो अखंड रामायण का मंडल जब हम करते थे तो अखंड रामायण में 24 घंटे का जो रामायण जी का पाठ होता था तो उसमें कुछ लोग जुड़ नहीं पाते थे। फिर भगवान ने हमको प्रेरणा दी, हनुमान जी महाराज ने, अखंड रामायण भी हम कर रहे हैं। पर प्रत्येक शनिवार हमने मंडल प्रारंभ करा जिसका नाम हमने रणजीत हनुमान रामायण मंडल रखा, और आज भगवान हनुमान जी महाराज श्री राम जी महाराज के आशीर्वाद से मंडल का आज 18वां स्थापना दिवस हम मना रहे हैं। रणजीत हनुमान मंडल जो है धार्मिक कार्य के अलावा अन्य रामायण मंडल प्रति शनिवार रामायण पाठ तो करता ही है, पर इसके अलावा कुछ मंडल ने अपने जो रजिस्ट्रेशन करवाया है उसमें कुछ उसके आधार बिंदु निकाले हैं कि एक तो सबसे पहले अपने को यदि कोई व्यक्ति जिसका पढ़ाई करने का मन है पर वो पढ़ाई में कमज़ोर है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो ऐसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो भी हमारे पास भेंट राशि होती है, एक बात और कि हमारे पास जो भी भेंट पैसा आता है ये हम मांगते नहीं हैं, ये मतलब व्यवसायिक मंडल नहीं है, ये सिर्फ परमार्थ और भगवान जनता की सेवा के लिए बना है। तो ये जो भेंट राशि हमें प्राप्त होती है, लोगों से जो सहायता प्राप्त होती है वो हम गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए, उसके बाद जो हमारे कन्नौज में उसके अलावा आसपास के जो क्षेत्र में यदि कोई मंदिर हनुमान जी का पुराना मंदिर है और यदि उसको जीर्णोद्धार की आवश्यकता है तो हमारा मंडल जो है उसका जीर्णोद्धार करता है। ऐसे सब सर्वप्रथम हमारा श्री बस स्टैंड पर जो मंदिर था जिसको कोर्ट वाले हनुमान जी कहते थे, पुरानी कोर्ट वाले, तो सूर है और पर वो किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो पा रहा था, तो वो मंदिर भी भगवान की कृपा से आज पूर्णता की ओर है। इसके अलावा हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।